सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उसमें गायों के 10 तारीख तक निर्णय लिया गया है, क्या प्रिपरेशन है सर अलीगढ़ की? देखिए, इसमें जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 5,000 गोवंश के रुकने की व्यवस्था कराई जाए। उसी क्रम में मुझे अवगत कराना आपको कि हमारे यहाँ 12 पंजीकृत गौशालाएँ हैं और 6 अपंजीकृत गौशालाएँ हैं, जिनमें 3,700 के आसपास पशु पहले से रह रहे हैं और वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, वो हम लोग भेज करके उसको सॉल्व करा रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी गौशाला बन रही है वो भी 2,000 पशुओं की है, जो गौवाना तहसील में बन रही है। एक हमने एक प्राइवेट ट्रस्ट से एक ग्राम सभा की 59 हेक्टेयर जमीन चरागाह की दी है, जो पशु अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो भी लगभग 47 है। इसके अलावा 17 स्थान ऐसे हैं जहाँ मनरेगा के माध्यम से हम गौ सेवा केंद्र बना रहे हैं, और नगर निगमों नगर पंचायतों को भी निर्देशित किया गया है, ग्राम सभाओं को भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ ग्राम सभा अथवा चरागाह की भूमि उपलब्ध है उसे पशु सेवा केंद्र के रूप में विकसित करें। इस संबंध में जिसमें शासन आदेश भी जारी हुआ है, ये दिनांक क्या कहते हैं 2 जनवरी का शासन आदेश है, जिसमें एक कमेटी बना दी गई है, ब्लॉक स्तरीय कमेटी, तहसील स्तरीय कमेटी और जिला स्तरीय कमेटी, वो कमेटी इसकी व्यवस्था करेगी। सर, लगातार पशु अभी भी जो रोड पर हैं उनको भेजने का क्या इंतजाम किया जा रहा है? नहीं, अब नगरीय क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायतों को है निर्देश और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के और जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनको जाते हैं सरकारी। अभी जैसे 6 सुरियाल में आज CDO साहब गए हुए हैं, वहाँ भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार है, सिर्फ शेड बनना है, शेड बनने के बाद 500 गायों की गोवंश की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। इस तरह से 17 जो हमारे बन रहे हैं उसमें भी 200 से 500 तक गोवंश की व्यवस्था आसानी से 10 तारीख तक हराल में हो जाएगी इसकी व्यवस्था। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।